माँ बाप का देहांत होने के कारण वो उसके बहन का ख्याल रखता था। नरेंद्र उसकी बहन के लिए पढ़ाई छोड़कर दिन रात मेहनत करता था और पैसे कमा के उसकी बहन को पढ़ाता था। कुछ साल बाद जब उसकी बहन का कॉलेज में पढ़ने का समय आया तो उसके गांव में कॉलेज न होने के कारण उसे दूसरे शहर में पढ़ाता था। एक दिन उसकी बहन दोस्तों के साथ बाहर जाती है। वहाँ वो पहली बार फ्रेंच फ्राइज खाती है। वो बहुत ही स्वादिष्ट होने के कारण उन्हें बनाने का विधि भी देखती है। उस दिन शाम को घर आते ही वो कुछ आलू लेके उस विधि से फ्रेंच फ्राइज बनाने की कोशिश करती है। इतने में उसका भैया घर आता है। रितिका, थोड़ा पानी दो ना माँ। जी भैया। पानी के साथ साथ मैं इन फ्रेंच फ्राइज को भी देती हूँ, फिर उन्हें पूछूंगी कि उनको ये कैसे लगा। और ऐसे तैयार किए हुए फ्रेंच फ्राइज पानी के साथ देती है। नरेंद्रा पानी पीकर उन फ्रेंच फ्राइज को देखते रहता है। तब रितिका, भैया वो यूं ही घूरने के लिए नहीं है बल्कि खाने के लिए बने हैं, जरा खा के तो बताओ कि कैसे हैं। उसके बहन के ऐसे कहने पर ये ना जानने के बावजूद कि वो क्या है, नरेंद्र उन्हें खा कर कहता है, कैसे बनाया तुमने ये, बहुत ही स्वादिष्ट है, हमारे गांव में तो मैंने इसे कभी नहीं खाया। भैया इन्हें मैंने ही बनाया। और तब वो उसके भैया को जो कुछ भी हुआ बताती है। भैया मेरे पास एक अच्छा विचार है। क्या है वो रितिका? हमारे गांव में फ्रेंच फ्राइज के बारे में किसी को भी नहीं पता है, इसीलिए हम एक फ्रेंच फ्राइज का दुकान लगा के इन्हें बेचेंगे, तब बहुत लाभ होगा। बच्चे और बड़े इसे एक ही सामान पसंद करेंगे और तुम्हें भी ज्यादा कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात तो सही है, मगर इन्हें बनाना तो मुझे नहीं आता है ना रितिका। मुझे आता है ना भैया, मैं आपको इन्हें बनाना सिखाऊंगी। ठीक है माँ। और ऐसे वो अपने भैया को फ्रेंच फ्राइज बनाना सिखाती है। मुझे तो इन्हें बना के बेचना पसंद ही नहीं है, पर मेरे बहन की खातिर मैं ये करूंगा, तब उसे बहुत खुशी होगी। बेटा इन्हें बनाना तो बड़ा आसान है और हमारे गांव में भी आलू का दाम कम है, ये सब मैं तुम्हारे ही लिए कर रहा हूँ। ये कह के नरेंद्र आलू को खरीद के एक नया दुकान लगा के फ्रेंच फ्राइज बना के उन्हें बेचने लगता है। उसी तरफ जाते हुए सारे लोग फ्रेंच फ्राइज का एक नया दुकान दिखने पर वहीं जाकर खरीदने लगते हैं और उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अंकल ये फ्रेंच फ्राइज तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी मन पसंद बन गए हैं अब। अब तक तो हमारे गांव में इन्हें किसी ने नहीं बेचा, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे उसकी प्रशंसा करते हुए सभी खाते थे। कुछ साल में ही नरेंद्र का फ्रेंच फ्राइज व्यापार बहुत प्रसिद्ध होता है और वो बहुत सफल भी होता है। फ्रेंच फ्राइज को बनाने के लिए भी उसके नीचे कुछ लोगों को काम पे लगाता है। नरेंद्र को बहुत कम समय में व्यापार में इतना सफल होना देख गांव के लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। नरेंद्र के बगल वाले दुकान का मालिक वंशी था। उसे हमेशा उसके व्यापार से ज्यादा नरेंद्र के व्यापार का विकास होना देख जलन होता था। इसके सफलता को ऐसे देखने से कुछ नहीं होने वाला, उसके दुकान को ही गायब कर देना होगा। ये फैसला करके उस रात को सबके सो जाने के बाद वंशी नरेंद्र के दुकान को गायब कर देता है। नरेंद्र जब सुबह उठ के उसके दुकान की ओर जाता है तो उसे वहाँ कुछ नहीं दिखाई देने पर वो हैरान हो जाता है। अड़ोस पड़ोस के लोगों को पूछने पर भी उन्हें कुछ नहीं पता होने पर वो कुछ नहीं कह पाते हैं और नरेंद्र निराश होके वापस उसके घर लौटता है। नरेंद्र के घर पहुंचने के तुरंत बाद उसकी बहन कॉलेज से घर पहुंचती है और उसे खुशखबरी देती है कि उसे एक नौकरी मिल गई। लेकिन उसके भैया को दुखी देख पूछती है, भैया क्या हुआ, अब ऐसे क्यों हो? तब नरेंद्र उसे
कुछ भी हुआ बताता है। आप निराश मत हो भैया, अब मेरा नौकरी लग गया ना। आप पहले से भी बड़ा फ्रेंच फ्राइज का दुकान लगाइए और इस बार हम अपने दुकान के बाहर एक सीसी कैमरा भी लगाएंगे। कुछ दिन बाद रितिका उसके वादा के अनुसार ही उसके वेतन के पैसों को लाकर उसके भैया के हाथों में देती है। तब नरेंद्र उसी स्थान में पहले से भी बड़ा दुकान लगाता है और बाहर एक सीसी कैमरा को भी लगवाता है। उसका दुकान प्रसिद्ध होने के कारण सभी वापस उसी के दुकान आने लगते हैं और वही फ्रेंच फ्राइज खरीदते हैं। ये देख वंशी वापस उसके व्यापार को छोड़कर नरेंद्र के व्यापार के बारे में दुखी होता है। मैंने हमेशा नरेंद्र के व्यापार और उसकी उन्नति को देख रोया है, पर खुद के व्यापार पर कभी ध्यान नहीं दिया मैंने। अगर दिया होता तो आज मेरे व्यापार के साथ साथ मेरा भी सेहत ठीक होता, मैं से बीमार नहीं पड़ जाता, ये सोचते हुए दुखी होता है। इस तरह नरेंद्र उसके बहन का कहा मानते हुए उसका व्यापार अच्छे से चलाता है। रितिका भी उसके भैया की इस नाम को देख बहुत खुश होती है और वो उसका नौकरी करते हुए अपने भाई के दुकान का भी ख्याल रखती है। ऐसे ही वो दोनों भाई बहन मेहनत करते हुए खुशी से जीते हैं। विकाराबाद के गांव में रितेश नाम का एक